यार रमजान है तो क्या हुआ? देखो तुमने बोला था कि तुम मुझे पप्पी दोगी, मुझे नहीं पता मुझे चाहिए बस। हाँ अब देखो तुम्हारे लिए मैं रोजे में बैठा हूँ, यहाँ पे धूप भी चमाटे करा रही है। नहीं मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं तीन तक गिनती गिन रहा हूँ, तीन गिनने पे बस मुझे पप्पी चाहिए। हाँ एक दो। आज असर की नमाज पढ़ने भी नहीं आए? अरे पैर की तकलीफ अपनी जगह, लेकिन कम से कम रमजान में तो बाजमात नमाज पढ़िए। हेलो। अरे नहीं नहीं वो अंकल का कोई दोस्त, उसके पैर में दर्द है। हम कहाँ थे? हाँ एक दो। अरे असर की नमाज तो आप पढ़ने आए नहीं, इशा में तरावी क्या पढ़ेंगे? जानू तुम एक मिनट रुको, मैं जरा इनसे बात करता हूँ। यार अंकल आपको तमीज नहीं है क्या? क्या हो गया बेटा? दिख नहीं रहा एक बंदा यहाँ पे बैठ के बात कर रहा है किसी से। तो बेटा मैं भी तो बात कर रहा हूँ। तो ये कौन सा अंदाज है बात करने का? एक काम करें आप, ये मोबाइल अपनी जेब में डाल लें और यहीं से आवाजें लगाएं। अरे बरखुरदार तुम्हारी टांग, यहीं से डायरेक्ट आवाज जाएगी उनके। अजीब रमजान है तो ऐसी कौन सी एक्साइटमेंट है आपको? बेटा पहले तो तुम तमीज से बात करो, और दूसरा ये कि मुझ तक तो ठीक था लेकिन रमजान के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुन सकता। तुम्हें पता भी है रमजान की कितनी फजीलत है? एक नेकी का सवाब कई गुना बढ़ जाता है, और इसी तरह एक गलत काम का गुना कई गुना बढ़ जाता है। अबे यार एक तो ये आपकी बात है, घर में होता हूँ तो अब्बू भी यही कह रहे होते हैं, अभी यहाँ आके बैठा हूँ सकून से तो आप भी यही कह रहे हैं, मस्जिद में जाता हूँ तो मौलवी साहब भी यही कहते हैं। भाई मेरा तो ये मानना है जब इंसान 11 महीने कुछ नहीं कर रहा तो रमजान में करके कौन सा मौलवी बन जाएगा? बेटा यही सोच तो तुम्हारी गलत है। अल्लाह ताला ने रमजान तुम्हें एक मौका दिया है, ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार करो, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा करो, और ये इरादा करो कि पांचों वक्त की नमाज रमजान में भी पढ़ूंगा और उसके बाद भी पढ़ूंगा। अरे अंकल कर लेंगे, अभी पूरी उम्र पड़ी हुई है। बेटा अगले लम्हे का तो किसी को पता नहीं है, और आपको ये बात मालूम है कि अल्लाह ताला को जवानी की इबादत सबसे ज्यादा पसंद है। अबे यार ये 6 महीने पहले आपने टोपी लगाई है, दाढ़ी रख ली, तो आप सबको नसीहत करते फिर रहे हैं। मुख्तसर ये कि आप अपनी बात आहिस्ता करें और मुझे अपना काम करने दें। सीख रहे फालतू में। हाँ हम कहाँ थे? हाँ एक दो। चुप जानू, बिल्कुल चुप हो जाओ। किस तरह के इंसान हो तुम? एक शख्स तुम्हें नसीहत कर रहा है, तुम्हें उसकी बात समझनी चाहिए, लेकिन तुम हो कि समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। देखो मैं तो अब अंकल की बात पे अमल करूंगी, और अगर तुमने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। जानू हेलो बे यार, जानू भी गई अंकल भी चले गए, मगर बात वो पते की कर गए। भाई मैं तो अपना रमजान अंकल की नसीहत पे गुजारूंगा। आप लोगों से भी कहता हूँ कि इन फजूल के चक्करों को छोड़ के ज्यादा से ज्यादा रमजानों में इबादत करें।